व्हाट्सअप गाइस, अगर आप फ्री फायर में वन टैप और हेयर शॉट बहुत ही आसानी से लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कुछ सेटिंग बताऊंगा। शायद आपने उस सेटिंग को नहीं किया होगा और उस वजह से आपका हेयर शॉट नहीं लगता होगा। अगर आपने इस सेटिंग को कर लिया उसके बाद आप हेयर शॉट मारने जा रहे हैं तो आपका हेयर शॉट बहुत ही ज्यादा लगने के चांस हो जाते हैं। तो इस सेटिंग को पूरा ध्यान से देखिएगा और देख लीजिएगा कि आपके मोबाइल में ये सेटिंग हुआ है या नहीं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। तो ज्यादा आपका समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे कॉमन सेटिंग है, सबसे पहले आपको यहां पर सेटिंग में चले जाना होगा और सेंसिटिविटी में जाना होगा और यहां पर देख सकते हैं आपको जनरल सेटिंग को 100 कर लेना है और रेड डॉट को 100 कर लेना है। ये सेटिंग आप शायद किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो तुरंत जाके इसको कर लीजिएगा। ओके, ये सेटिंग कॉमन है, आपको भी पता है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट सेटिंग की ओर बढ़ते हैं। वो दोस्तों शायद आपने नहीं किया होगा, वो है DPI। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, सोचते हैं कि उनका मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो DPI का ऑप्शन कहाँ पर मिलता है? सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा? सेटिंग में। यहाँ पर मैं सेटिंग में चला जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद नीचे आपको आना है और यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पर डेवलपर का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आपके मोबाइल में डेवलपर का ऑप्शन नहीं है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अबाउट फोन में जाना है और यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाना है और नंबर बिल्ट नंबर पर आपको 3 से 4 बार टैप करना है तो ऑटोमेटिक आपका ये वाला डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, मतलब कि शो होने लगेगा और दिखने लगेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना है, एक ऑप्शन आपको फाइंड कर लेना है, मतलब कि ढूंढ लेना है, स्मॉलेस्ट बेथ का ऑप्शन दे सकते। DPI को आप इस नंबर से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं, अभी हमारा जो डिफ़ॉल्ट DPI है 411 है, तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। अगर मैं कम कर देता हूँ तो बहुत ही, मतलब कि मेरा गेम प्ले बहुत बेकार हो जाएगा, मैं बढ़ा देता हूँ और भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 10 या दोस्तों 20 बढ़ा सकते हैं, अगर उसे ज़्यादा बढ़ाते हैं तो रिस्क हो सकता है आपके मोबाइल में, मतलब कि आपका मोबाइल ख़राब भी हो सकता है। तो आप 10 या 20 बढ़ाइएगा, उससे ज़्यादा बढ़ाइएगा मत। अब बढ़ते हैं तीसरे सेटिंग की ओर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोस्तों इसको मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। ये है दोस्तों डिस्प्ले। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले पर जाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम अल्ट्रा पे लगाएं, अगर आप मैक्स करना चाहते हैं तो मैक्स कर सकते हैं। मैक्स अगर आप करेंगे तो आपका 12 GB वाला मोबाइल होना चाहिए, तब जाके आप मैक्स करिएगा, नहीं तो दोस्तों आपका मोबाइल मतलब कि हैंग करने लगेगा और बिल्कुल भी मतलब कि चलेगा ही नहीं, गेम प्ले अच्छा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपका मोबाइल 3-4 GB रैम वाला है तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड करना होगा, उससे कम स्मूथ कर सकते हैं। जब मैं स्टैंडर्ड कर रहा हूँ, अगर आपका मोबाइल उससे ज़्यादा भी है, जैसे कि 6 GB 8 GB है, तो आप अल्ट्रा भी कर सकते हैं। और नीचे आते हैं देख सकते हैं हाई FPS का ऑप्शन है, आप हाई कर सकते हैं। अगर आप हाई करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो गेम प्ले है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रन करेगा और आपका ज़्यादा बैटरी लेगा, ज़्यादा यूज करेगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की ओर। ये है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल में जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं एम प्रिसीजन का ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को आपको डिफॉल्ट ही रहने देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिसाइज ऑन स्कोप, इसको भी मतलब कि मत करिएगा, फुल कंट्रोल में बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप इसे कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका हेयर शॉट भूल ही जाइए, तो यहाँ पर डिफॉल्ट ही रहने दीजिएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट फायर बटन, तो अगर आप इसे ऑलवेज कर तो आपके सामने फायर बटन का एक डुप्लीकेट मतलब कि उसका जुड़ा हुआ भाई आ जाएगा लेफ्ट फायर बटन की तरफ। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका जुड़ा हुआ भाई आ गया है। तो अगर आप करना चाहते हैं इसे ग्लू वॉल लगाना चाहते हैं फास्ट, तो इसे ग्लू वॉल बहुत ही तगड़ा और बहुत ही सुपर लगा सकते हैं। बस दोस्तों वीडियो में इतना है, अगर आपने ये सब सेटिंग कर लिया तो बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों आपको एक काम करना होगा, जाके प्रैक्टिस करिएगा ट्रेनिंग ग्राउंड में और देखिएगा आपका भी वन टैप लगना स्टार्ट हो जाएगा और हेडशॉट भी हर बार लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।